दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस बार देश में चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी लोगों की है वो बंगाल में लगी हुई है। और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की चीफ हैं, वो जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं और जो इस बार उनका ममता बनर्जी का जो तौर तरीका है, जो मिजाज है, जो अपने को चुनाव में पेश करने, प्रस्तुत करने का जो एक अंदाज है, वो पहले के जितने चुनाव थे और जिस तरह से वो पहले अपने को पेश करती थी, प्रेजेंट करती थी, एड्रेस करती थी लोगों को, जिस तरह के कौशल दिखाती थी, उससे इस बार का काफी अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौशल में कोई कमी है, उनके प्रचार में कोई कमी है, जबरदस्त है, लेकिन कंटेंट दोनों का, पहले का और आप आज का जो उनका कैंपेन है, प्रचार है, उसके कंटेंट में फर्क है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आज ही वो तमाम पूजा पाठ और दरगाह हर जगह गई, पहले भी हो जाती थी, वो कभी नास्तिक नहीं रही, आस्तिक रही हैं, धार्मिकता में उनका पूरा भरोसा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरे नहीं होते थे तब, इस बार कैमरे भी थे। क्यों? क्योंकि मानते हैं उनके बहुत सारे पारंपरिक समर्थक। अब देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव को लड़ रही हैं, उसे लेकर उनके जो पारंपरिक समर्थक हैं, उनके जो पारंपरिक विरोधी हैं, उनके जो आलोचक हैं या जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं बंगाल में चुनाव के, इन सबकी लगभग एक राय है। और वो क्या है? वो ये राय है कि दीदी इस बार बिल्कुल अलग दिख रही है। और उनका ये कहना है कि या तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा या घाटा भी मिल सकता है। तो बहुत तेरे लोग ऐसा कहते हैं कि दीदी के इस चुनाव में अगर तृणमूल कांग्रेस की वाकई हैट्रिक लगती है, तीसरी बार चुनावी जीत होती है, तो ये ममता बनर्जी का चमत्कार होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके मुख्य चुनाव जो स्ट्रेटजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, दरअसल उनका इस पर दायित्व जाएगा कि उनकी वजह से, उनकी जवाबदेही होगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो नई स्ट्रेटजी है ये प्रशांत किशोर के कहने पर बनाई गई है। और इसलिए भी बनाई गई है, जो बंगाल के इलेक्शन को बहुत नजदीक से फॉलो कर रहे हैं, सबका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जिस तरह से अपने को चुनाव में पेश करते हैं, तमाम जिस तरह के चीजों को उछालते हैं, जो कौशल दिखलाते हैं, जिस तरह के जुमले वो बोलते हैं, एक तरह से उसको काउंटर करने के लिए लगभग उसी तर्ज पर बहुत सारी चीजों को ममता बनर्जी के इर्द गिर्द पेश किया गया है। और ये जो स्ट्रेटजी है प्रशांत किशोर की है, तो क्या प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए बोझ बनेंगे, क्या उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, या वाकई उनका जो डेटा मैनेजमेंट है, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में एक बात तो जरूर कही जा सकती है प्रशंसा में, उनकी तारीफ में, कि वो एक माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं डेटा के जरिए और बूथ वाइज बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आमतौर पे तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो दूसरे कामों में तो तेज हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने में, ध्वस्त करने में चीजों को, लेकिन ये जो चीज है डेटा मैनेजमेंट और बूथ वाइज सारा का सारा आकलन, इसमें कमजोर हैं। तो वो एक काम प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो फ्रंट है, प्रशांत किशोर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के जहां जहां वो एडवाइजर बने, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी के यहां भी वो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आप देखिए कि चुनावी स्ट्रेटजिस्ट वो हैं, चुनावी सलाहकार हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी राजनीति ममता बनर्जी की डील कर रहे हैं। और अनेक पार्टी के बड़े नेता ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ रिकॉर्ड भी, कि वो अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या पार्टी से नाराज हैं ममता बनर्जी से, तो उसकी सबसे बड़ी वजह प्रशांत किशोर हैं। कईयों ने ये बात कही, कुछ ने ऑफ द रिकॉर्ड कही, कुछ ने ऑन द रिकॉर्ड कही। तो आखिर वो क्या वजह है कि
कि पॉलिटिकल मोर्चे पर जो राजनीतिक जो संरचना है पार्टी की और जो राजनीतिक स्ट्रेटजी है उसकी भी कमान एक स्ट्रेटजिस्ट चुनाव का जो डेटा मैनेजमेंट करने आया है, जो माइक्रो मैनेजमेंट करने आया है इलेक्शन कैंपेन का, वो राजनीति भी कमांड करने लगता है। और यह स्थिति कई जगहों पर प्रशांत किशोर के साथ देखी गई है, कई जगह इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्शन भी पैदा हुए। जैसे अब उदाहरण के तौर पे इसके पहले उन्होंने 2015 में बिहार का चुनाव मैनेजमेंट किया था और उस वक्त जेडीयू और आरजेडी का अलायंस था। मजे की बात है कि उस चुनाव के पहले आपको याद होगा कि बड़े ही प्रचार के साथ प्रशांत किशोर को लाया गया था, जैसे कि मानो वो एक चमत्कार कर देंगे, और खूब प्रचार हुआ, काफी पैसे खर्च हुए, इतना पैसा शायद पहले इन पार्टियों ने उतना नहीं खर्च किया होगा। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने उनको एडवाइजर के रूप में नहीं रखा था, जेडीयू ने रखा था, ये याद रखिए। लेकिन जेडीयू की सीटें 71 सिर्फ आई, सिर्फ 71, जबकि इसके पहले के चुनाव में उनकी सीटें बहुत ज्यादा थी। मैं 2010 के चुनाव की बात कर रहा हूं। और आरजेडी जो कि बिना एडवाइजर के थी उसने 81 सीटें उसने हासिल किया था, यानी दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़े थे अलायंस में, जेडीयू और आरजेडी, लेकिन बगैर किसी एडवाइजर के आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली और जेडीयू की सीटें कम हो गई। इस तरह से प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड कई जगहों पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आपको याद होगा, उन्होंने 2017 के चुनाव में एक अद्भुत स्ट्रेटजी बनाई, कहीं चारपाई पर बैठकें हो रही हैं, खटिया बैठक, कहीं शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री बनेगी, इतना हास्यास्पद वो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वही प्रशांत किशोर मुलायम सिंह यादव से मिलने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस और जब मुलायम सिंह के बीच में अलायंस बन जाता है उनकी पार्टी यानी अखिलेश की पार्टी से, तो फिर शीला दीक्षित जो है पर्दे के परिदृश्य बाहर हो जाती हैं और वो स्वयं डिक्लेयर उनको करना पड़ता है कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं है, और युवा पीढ़ी को वो इस काम के लिए आगे करती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि उस चुनाव में क्या हुआ जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इस बार सपा और कांग्रेस जबरदस्त समर्थन के साथ चुनाव में सरकार बनाने जा रही है, ये उनका दावा था प्रशांत किशोर का। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस कितनी सीटें पाई थी? सिर्फ 707, 400 से अधिक सीटों वाली उत्तर प्रदेश असेंबली में प्रशांत किशोर के चमत्कारी प्रचार स्ट्रेटजी बनाने के बाद, इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली दोस्तों। और यही नहीं, अगर आप और स्टेट्स का भी हाल देखिए तो आप 2019 का इलेक्शन आप एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। 2019 के चुनाव में जेडीयू के साथ होने के बावजूद प्रशांत किशोर ने इलेक्शन का उनका इलेक्शन कैंपेन नहीं संभाला जेडीयू का। वो दरअसल 2019 का इलेक्शन आमतौर पे नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो नंबर 2 माने जाते हैं, जो अभी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपीएन, उन्होंने संभाला था। और उस चुनाव में जहां तक याद आ रहा है कि जेडीयू को 17 सीटों पर लड़ना था, 16 सीटें मिल गई, 17 में 16 प्रशांत किशोर के बगैर, और बीजेपी को 17 में 17, आरजेडी 0 पर आ गई। ये 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूं, जो लोकसभा इलेक्शन था। और उस चुनाव से पहले का किस्सा आपको बताऊं, जब वो जेडीयू में शामिल हुए थे तब का किस्सा, एक बार 2000 जनवरी महीने की, नीतीश कुमार जी के मुंह से निकल गया था कि लोगों ने पूछा कि आपने प्रशांत किशोर को चुनावी स्ट्रेटजी के लिए अपने यहां रखा है तो इनको जेडीयू का वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना दिया। नीतीश कुमार जी के मुंह से निकल गया कि अमित शाह जी के सुझाव पर, उनकी सलाह पर हमने इनको जेडीयू का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसका खंडन न तो अमित शाह जी ने किया न तो किसी और ने किया। तो बड़ी दिलचस्प बात है, मैं नहीं जानता कि इस वाक्य के पीछे, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या बात थी, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब कि आखिर वजह क्या है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के वो एडवाइजर बनते हैं चुनाव में, वो पॉलिटिकल पार्टीज हूबहू बीजेपी की जो चुनाव स्ट्रेटजी है उसकी नकल करने लगती हैं। और दोस्तों ये अचरज की बात नहीं है कि प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में चुनाव जो स्ट्रेटजी बनाने की कला या कौशल, उसको असलियत में तब्दील करने की शुरुआत यानी एग्जीक्यूट करने की शुरुआत उन्होंने 2021 में 11 में गुजरात से की थी, नरेंद्र मोदी जी के लिए की थी चीफ मिनिस्टर जब, और फिर
2014 का चुनाव आप सब जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव था उसको भी उन्होंने ही उसको स्ट्रेटेजाइज किया था, उसकी रणनीति उन्होंने बनाई थी और वो कामयाब माने गए। लेकिन इसके बाद फिर वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचारक या चुनाव रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम नहीं किया, वो दूसरी पार्टियों के लिए करने लगे। और आपको याद होगा पिछला जो पंजाब का विधानसभा चुनाव था उसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन बहुत बाद में पंजाब कांग्रेस ने उनको विदा कर दिया था और वो स्वयं काफी उन्होंने काम किया। हालांकि अमरिंदर सिंह जी ने उनको क्रेडिट दिया, लेकिन सच यह है कि वहां पर इलेक्शन में उम्मीदवारों की के नाम तय करने को लेकर पार्टी में और चुनाव रणनीतिकार में कॉन्ट्रडिक्शन था, जिसको कि पार्टी ने साफ कह दिया कि इसको नेतृत्व तय करेगा, उम्मीदवार जो तय करेंगे वो प्रशांत किशोर उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के जो पिछला चुनाव था उसके बारे में जरूर कहा जाता है कि उन्होंने चमत्कार कर दिया और प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी को सलाह दी और आम आदमी पार्टी ने बहुत अधिक सीटें पाई। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी का जो किस्सा है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2020 के इस इलेक्शन में 70 में 62 सीटें पाई थी आम आदमी पार्टी और दिसंबर महीने में उन्होंने ज्वाइन किया था और 2 महीने के बाद चुनाव था, यानी बहुत ज्यादा समय नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टी ऑलरेडी सरकार में थी और जिसके पास कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा नेटवर्क था उसके बल पर यह कामयाबी रिपीट किया था आम आदमी पार्टी ने। लेकिन याद कीजिए कि आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनाव में इससे भी ज्यादा सीटें पाई थी, 70 में 67 सीटें, 67 सीटें। तो ये जो प्रशांत किशोर का पूरा खेल है दोस्तों ये बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए कि वो तमिलनाडु भी इस बार पहुंच गए हैं, डीएमके को अगर फायदा मिलता है तो बड़ी बात है, लेकिन कहीं वो डीएमके से पूजा पाठ न कराने लगे। पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नक्शे कदम पर वो स्टालिन जो करुणानिधि जी के पुत्र हैं और जो नास्तिक या यूं कहा जाए कि अनिश्वरवादी लोग हैं, द्रविड़ आंदोलन के लोग हैं, कहीं उन लोगों से पूजा पाठ न करवाने लगे चुनाव में और इस तरह से बीजेपी के फॉर्मूले को एक तरह से तमिलनाडु में एक क्रेडिबिलिटी या एक उसको एक प्रामाणिकता या उसको एक ताकत देने लगे, ये एक सोचने की बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात खत्म करता हूं कि बंगाल में बहुत सारे लोग हैं जो कहने लगे हैं कि ममता दीदी इस चुनाव में अगर वो जीतती हैं तो अपने बल पर जीतेंगी, लेकिन अगर वो हारती हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार माने जाएंगे। इन शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।